दोस्तों आज का आईपीएल का मुकाबला केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीमें जीतने के लिए आएगी, क्योंकि केकेआर लगातार हार के साथ आ रही है। तो वहीं दो मुकाबले में लगातार आरसीबी जीत के साथ यहां पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा। जहां पिछला मुकाबला जब इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था तब आरसीबी की टीम हार गई थी और केकेआर के स्पिनर ने आरसीबी के बैट्समैनों को बहुत ही जल्दी आउट कर दिया था, तो आरसीबी के बैट्समैन ज़्यादा नहीं चल पाए थे। लेकिन ये चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वो मैच था ईडन गार्डन में। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत ही ज़्यादा ही रन लगते हैं और जैसे कि फॉर्म में है विराट कोहली, डुप्लेसी और मैक्सवेल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन लगने वाले हैं और पिछली हार का बदला भी इस बार आरसीबी लेने वाली है। तो वहीं आरसीबी के लिए पिछले दो मैचेस में विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, तब से आरसीबी की किस्मत भी चेंज हुई और दोनों मैचों में आरसीबी ने जीत दर्ज की। तो आज के मैच में भी आरसीबी जीत सकती है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट हाई है और केकेआर का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। वो लगातार चार मैच हार चुकी है क्योंकि आरसीबी बहुत ही ज़्यादा अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और विराट कोहली का फॉर्म भी उनके साथ है, तो बहुत चीज़ें होने वाली है। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में विराट कोहली और आरसीबी की पूरी टीम ने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है और इन दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला देखने वाला होगा कि आरसीबी अगर बैटिंग करती है तो कितना स्कोर बनाती है, अगर फील्डिंग करती है तो केकेआर को कहां तक रोकती है। क्योंकि आज का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है और आरसीबी जीतना चाहती है क्योंकि प्लेऑफ की जंग बहुत ही ज़्यादा छिड़ी हुई है, क्योंकि सबके साथ साथ मुकाबले हो चुके हैं। आधा आईपीएल का सीज़न अब ख़त्म हो गया है, अब प्लेऑफ में सब चार नंबर पर रहना चाहते हैं और प्लेऑफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो देखते हैं कौन टीमें प्लेऑफ क्वालिफाई करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है केकेआर और आरसीबी में कौन सी वो टीम है जो क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।